अरे हॉकी के बारे में, ठीक है। और हॉकी के बारे में क्या बताया था, और हॉकी का किस प्रकार से आपका विस्तार हुआ था, इसके बारे में क्या कर रहे थे आपका अड़ी चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो हॉकी के बारे में वो आप लोग बता दें कि हॉकी में आप लोग का कितना प्लेयर था, 11 प्लेयर था, इन्होंने बात किए थे। और हॉकी संबंधित है आपका दोनों कप, ठीक है। एक कप का कौन है आपका, तो बेटन कप आपका संबंधित है, दूसरा आपका कौन है, आगा का कप, ठीक है, आगा खान कप। ये दोनों जो कप है ये किस संबंधित आपका, अरे हॉकी से है, ठीक है। और आप लोग ये विशेष बात बताए थे उसके बारे में कि भारत का जो प्रथम जो था क्या आपका, अरे ओलंपिक जो स्वर्ण पदक जीतने का बारे में बात जो किए थे हम लोग, तो स्वर्ण पदक जीतने की अगर बात करें तो 1928 में, कब आपका, 1928 में पहली बार, ठीक है, यानी पहली बार स्वर्ण पदक इंडिया ने जीता था। और ये 1928 में कहां पे आपका, एमस्टरडम में, ठीक है, एमस्टरडम में जीता था, जो कि नीदरलैंड में, बस रहता नीदरलैंड में है एमस्टरडम, ठीक है, वहां पे उन्होंने यानी पहला यानी ओलंपिक स्वर्ण पदक उसने हासिल किया था। अगर बात करें उस समय आपको बताए थे ये थे कि उस समय भारतीय जो कप्तान थे वो कौन थे आपका, यानी जयपाल सिंह मुंडा थे, जयपाल सिंह आपका मुंडा थे, जो कि आपका उस समय आपका हॉकी में काफी ज्यादा प्रदर्शन अच्छा था उनका, इसलिए उनको मतलब क्या बोल सकते कि जो अच्छा प्रदर्शन करता है, जो टीम को अच्छा से लीड कर सकता है, हम लोग उसी को सौंपते हैं क्या आपका, यानी कैप्टनशिप सौंपते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका जयपाल सिंह मुंडा को लगा, या फिर खिलाड़ियों को लगा हुआ ऐसा कि जयपाल सिंह मुंडा अच्छा खेलते हैं या फिर अच्छा लीड कर सकते हैं, तो इनको यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा को आपका हॉकी टीम के क्या बना दिया गया, आपका अरे कप्तान बना दिया गया। तो अरे पहले बार हम लोग का स्वर्ण पदक कब हासिल हुआ था, 1928 में हुआ था। और जयपाल सिंह अगर मुंडा के बात के बारे में बात करें आप लोग का, तो ये थे झारखंड से, कहां से थे आपका, अरे झारखंड से थे। और झारखंड से थे उसके बाद इन्होंने झारखंड पार्टी का भी स्थापना किया था, इन्होंने झारखंड पार्टी का भी स्थापना किया था, ना। और झारखंड पार्टी का स्थापना जो बताया था लोग चुनाव चिन्ह, ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या था आपका, अरे मुर्गा छाप था, मुर्गा छाप ना, अरे मुर्गा छाप था। चलिए तो ये हम लोग प्रीवियस में बात कर चुके थे, और आज हम लोग बात करने वाला वो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में तो बात हो गई थी शायद कल, हाँ आज हम लोग बात करने वाले हैं महिला, हाँ जयपाल सिंह मुंडा बात की थे हम लोग पहले भी, नहीं, जयपाल सिंह मुंडा ये बात किए थे, नहीं किए थे हम लोग। चलिए तो आज हम लोग जीवनी पर बात करेंगे, किसके, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। आज पूरा हम लोग जो क्लास में देखने वाले हैं वो सिर्फ हम लोग देखने वाले जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, उनका क्या अस्तित्व रहा, वो किस प्रकार से प्रदर्शन किए इसके बारे में। जयपाल सिंह आपका मुंडा ना, अच्छा मुंडा जनजाति आपका झारखंड में प्रसिद्ध जनजाति में से गिनती है, ठीक है। अगर देखा जाए झारखंड में तो मुंडा का भी अस्तित्व है। आप भारत झारखंड के एक महान क्रांतिकारी के बारे में सुना है, अरे बिरसा मुंडा, ठीक है, और बिरसा मुंडा को धरती आवा, ठीक है, अरे भगवान के नाम से दर्जा दिया गया। तो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा हमारे झारखंड के लिए एक क्रांतिकारी के तौर पे उभरे, और उन्हें झारखंड के बारे में उन्होंने लोगों को अरे बताया, हाँ यहाँ के वन संपदा, यहाँ से जो अंग्रेज के हस्तक्षेप जो था उनसे वो आजादी चाहते थे, कि हमारे यहाँ पे अंग्रेज का जो हस्तक्षेप है, जो मुंडाओं का या जो यहाँ की जनजातियों पर जो शोषण किया जा रहा है उनको क्या किया जाए, उससे वो अनिका हटाना चाह रहे थे, अनि स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। और पता है जीवन में मतलब अगर आपके बेमतलब के बेमतलब सर है ना, अरे जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य है, मतलब ना अगर हम यही अगर आपके ऊपर क्या करें एक तरह से मार पीट के, ठीक है, जबरदस्ती तुमको पढ़ने की इच्छा नहीं है ना, और जबरदस्ती पढ़ाए तो आपका मन भी नहीं लगने वाला है। तो क्लास में जब भी आते हैं तो पूरा मन तन और क्या त्याग त्याग होनी चाहिए, त्याग कैसे होगा बताए ना, ऐसे घर का पूरा फैमिली, हाँ घर में क्या चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, हाँ ऐसे क्या बन रहा है, इधर से खुशबू आ रहा है इस प्रकार से, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, मन तन और त्याग सब यहाँ होना चाहिए, बस रहे ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आज जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। तो हॉकी खिलाड़ी के लिए अगर बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी एक प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है, प्रेरणा स्रोत रहने का मतलब यह हो कि ऐसा नहीं जयपाल सिंह मुंडा जो है वो अच्छे काम नहीं किए, जयपाल सिंह मुंडा ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं
जो झारखंड की उपलब्धियों को और ऊंचाई तक आपका लेके गए हैं। और झारखंड की उपलब्धियों को ऊंचाई तक ले जाने के कहने के बाद यह है आपका कि कहीं ना कहीं झारखंड के गौरव को उन्होंने अपने विस्तार किया है अपने भारत में। अगर सोचो, अगर आज हमारे माही है, माही समझ रहे महेंद्र सिंह धोनी, वो भी क्रिकेट के क्षेत्र में पूरा, अगर आप अगर पूरा दुनिया जाते हैं और कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी के हम क्या से हैं, अपने टाउन से हैं या सिटी से हैं, बस ना, तो वो बोले अच्छा महेंद्र सिंह धोनी ना, तो कहीं ना कहीं जयपाल सिंह मुंडा जी से वो कुछ इसी प्रकार से 1928 के अनेक शताब्दी में रह चुके थे, मतलब 20 शताब्दी में ऐसा रह चुके थे। और अब जीवन में प्रेरणा हम उसी से लेते हैं, क्या हम लोग भिखारी से प्रेरणा लेते हैं? प्रेरणा किससे लेंगे? जो अच्छे काम, अच्छा भिखारी भी भिखारी से प्रेरणा ले सकता है, ऐसा गलत नहीं बोल सकते हैं कि प्रेरणा, लेकिन प्रेरणा लेने वाले पर भी डिपेंड करता है। अगर भिखारी बनना है तो भिखारी ये मतलब हमारे से बड़ा भिखारी कौन है ना, उससे प्रेरणा दे वो कैसे मांगता है, ये भी बात आएगा। अगर आपको हीरो बनना है तो भिखारी से तो नहीं ले सकते हैं, मेरे जो कटेगरी के उसी से लेंगे कि मेरे जो फील्ड में है उससे लेंगे प्रेरणा। अब प्रेरणा किसी से भी ले लेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब डॉक्टर रहे पशु वाला एनिमल वाला, अरे बोल भैया बुखार लग गया हमको, तो वो आपका इलाज सही ढंग से नहीं कर सकता, या फिर इलाज तो करेगा फिर शायद 12वें दिन पर फिर पूरी चलेगी ना, तो ऐसे ही गड़बड़ बात हो जाएगी। देखिए तो अब आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे और रांची के संत पॉल विश्वविद्यालय पढ़ाई के दौरान उनके हॉकी के प्रतिभा को कहना अन्य कार्य से नहीं पहचाना, ठीक है। अगर आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो किसी का एक व्यक्ति का जरूर होता है जो आपके ऊपर आप ठीक है अपना समय देता है आपका, तो उसी में बाबू जयपाल सिंह मुंडा के एक थे क्या आपका, और जयपाल सिंह मुंडा को अगर पहचाना हो तो किसने पढ़ाया ना आपका अनिकेनन, ठीक है, केनन कॉसग्रेव, ठीक है कॉसग्रेव, ठीक है, इन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना, किनके टैलेंट को, जयपाल सिंह मुंडा का। अरे ये जयपाल सिंह मुंडा तो बड़ा अच्छा हॉकी खेलता है, अगर इसके ऊपर समय दिया जाए तो जयपाल सिंह मुंडा एक बेहतर खिलाड़ी के तौर में अड़ निकल आएंगे, बस रहे ना। तो इस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा को अगर आगे बढ़ाने के अगर श्रेय जाता है तो अनिकेनन अनिकेनन हो जाता है। और वो यहाँ पे कहता है बाद में जयपाल सिंह मुंडा उस शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए, हाँ उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए आपका, ऑक्सफोर्ड चले गए, ठीक है ऑक्सफोर्ड चले गए, ठीक है ऑक्सफोर्ड, और वहां पे वो स्टडी किए। अरे पहले ना जैसे हम लोग अभी हजारीबाग जाते हैं कैसे हम लोग ना, ना कुछ ना ना वीजा कुछ, यहाँ पे अपने देश के भीतर ऐसी सब तो बातें, वो जब देश के जब बाहर जाते हैं दूसरे देश में तो अब मिलता है, लेकिन जब पहले का पूरा जो लोग थे ना, देखिएगा लंदन, ठीक है यूएसए, मतलब बाहर ही पड़े हैं, क्योंकि उसमें ना तो वीजा लगते थे ना पासपोर्ट लगते थे, हर जगह जाए भाई, और जैसे मैं पढ़ आया अपना फीस जो है वो दिया असर है ना, और पढ़ के अनेक अध्ययन करके आ गए अपने देश। तो यहाँ पे बहुत कम ही हुए हैं जो मतलब पहले के लोग, ठीक है जो पढ़े हैं, सब तो देखिएगा सब बाहर ही पढ़े जाते हैं। अच्छा ऐसा नहीं कि सब बाहर ही पढ़े, कुछ लोग इंडिया में पढ़े हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, गुरुकुल भी आपके पूरा विख्यात थे हाँ। चलिए अब वो यहाँ पे क्या है, तो शिक्षा के प्राप्त करने के दौरान वो इंग्लैंड भी अपने हॉकी का जलवा दिखाया, ठीक है अपना जलवा, ठीक है अपने जलवा वो जयपाल सिंह मुंडा कहाँ पे दिखाया, तो इंग्लैंड में भी दिखाया। जैसे बताया ना कि महेंद्र सिंह धोनी सॉरी ठीक है महात्मा गांधी जब अफ्रीका जब गए थे तो वहां पे भी जलवा दिखाकर आए ना, अपना प्रतिभा वहां भी दिखाए अफ्रीका में भी, उसके बाद आपका 9 जनवरी 1915 को इंडिया लौट, हाँ और उनका पहला फिर कहाँ हुआ आपका, यानी चंपारण सत्याग्रह पहला होगा, यानी आपका सत्याग्रह हो आंदोलन हुआ जो कि बिहार में ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिभा जो है वो अचानक से निकल के नहीं आता, आप सोचेगा कि एक दिन पूरा लेसन खत्म कर देंगे पढ़ा के, ये भी उचित बात नहीं, हल्का पढ़िए ठीक पढ़िए सटीक पढ़िए ना। देखिए अब वो यहाँ पे क्या हुआ कि उनका प्रतिभा के कारण ही ब्रिटिश प्रशासन ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी का अनेक कप्तान भी नियुक्त किया, ठीक है और इसी के चलते बाबू अने हॉकी टीम के अने 1928 में 1928 में एम्स्टर्डम, ठीक है कहाँ पे आपका एम्स्टर्डम में, गलत हो गया क्या, नहीं ठीक 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 एम्स्टर्डम में उनका वो कहते हैं आपका तो कप्तान नियुक्त किया, ठीक है अनेक कप्तान नियुक्त किया बाबू, ठीक है कप्तान नियुक्त किया कहाँ का, अनेक इंडिया का, इंडिया का अनेक हॉकी टीम का,
हॉकी टीम का बाबू, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ यहाँ पे आगे, अब जयपाल सिंह ने संधार नेतृत्व में ही देश में पहली बार हॉकी के अलिका स्वर्ण पदक जीता और इसी में एमस्टरडम में ही आपका स्वर्ण पदक बाबू हासिल किया और इंडिया को और ज्यादा अधिक गौरवान्वित किया और आज ज्यादा उनका विकास किया, या बोल सकते हैं कि देश में विदेशों में एक नया नाम छोड़ दिया। अब बाबू आगे आते हैं और जयपाल सिंह ने संधार नेतृत्व में ही देश में पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल किया और इस सफलता के साथ जयपाल सिंह मुंडा की पहचान राष्ट्रीय हीरो के रूप में बढ़ी। अगर आपके जीवन में एक ऐसा पल जरूर आता है जिस समय आप हीरो बन सकते हैं, हीरो मतलब ऐसा नहीं मूवी का हीरो, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे उस क्षेत्र में आप जरूर एक दिन हीरो बन सकते हैं ना। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो एक दिन ऐसे जरूर आएंगे जब आप हीरो बनिएगा, कहीं पढ़ना चलो वहां पढ़ेंगे ना, जैसे भी देख रहे हैं ना आईएएस के विकास देवकीर्ति सर पूरा इंडिया में फेमस है। तो कोई ना कोई एक पल आता है जिसमें लोग के जो अग्रणी जो है ऐसे कभी कभी प्रतिभा निकल के आ जाते हैं जिससे उनका पूरा विख्यात हो जाता है, उनका प्रचार हो जाता है। तो ये प्रचार ये विख्यात होते कैसे, तो इंटरनल मोटिवेशन से अपने आत्मसात से। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, हीरो बन गए और झारखंड के खिलाड़ियों के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत बन गए। वास्तव में जयपाल सिंह के इन उपलब्धियों में झारखंड के खिलाड़ियों का आत्मबल दिया, वे भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा लोहा मनवाने और मनवा सको। देखिए प्रतिभा तभी आते हैं या प्रेरणा तभी आते हैं, प्रेरणा तब और प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो हम लोग देख के सीखते हैं। जीवन में कभी भी किसी से क्या बोल सकते तरह से दुश्मनी या फिर बोल सकते जलनशीलता नहीं लाना चाहिए, है ना, कि वो इतना चिट्ठी राट कर या पढ़ने इतना तेज है तो उससे चले ऐसा ना कॉपी चुरा दो कभी कॉपी फाड़ दो, नहीं जलनशीलता टाइप से नहीं काम करना है, उसको प्रेरणा लेना। अच्छा भाई पढ़ कैसे रहा, उन्होंने क्या किया, जो क्लास अपना तेज बच्चे में से गिनती आता है तो उसके कई सारे चीजें होंगे जो आपको अनेक तरह से प्रेरणा स्रोत उसको ग्रहण करना पड़ेगा। वो किस प्रकार से टाइम टेबल का फॉलो करता है, किस प्रकार से वो पढ़ता है, समझ रहे ना। दूसरे को कॉपी करना, कॉपी जब तक नहीं कीजिएगा तो सीखेगा कैसे, बच्चा देखो छोटा बच्चा जब छोटा रहता है देखिए माँ पिता कैसे कॉपी करता है और कॉपी कर करके ही सीखता है ना बड़ा बच्चा, बहुत एकदम घातक चीज होता है कॉपी करना बड़ा छोटा बच्चा रहता है ना, कभी उसके माँ ना पाउडर लगा रही बच्चा रहते देखेगा कि पाउडर रख दीजिए सामने, ठीक है बच्चा जाएगा पूरा सब निकाल उकाल के तुम क्या करेगा, पूरा पाउडर यहाँ लगाना था पाउडर इधर लगा लिया ना, काजल यहाँ लगाना था आंख में वो लगा लिया इधर गाल में, मतलब पूरा भूत बन जाता है। तो कहने का उसमें थोड़ा सा वस्तु के बारे में ज्ञान तो नहीं होता कहाँ पे क्या लगाना, लेकिन उसको लगता है कि मतलब मॉडल कॉपी हो सकता है, जैसे जैसे वो पूरा क्या कर लेता है यूज कर लेता है ना। देखिए जयपाल सिंह के बाबू कहने के बाद कई आदिवासी खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। जयपाल सिंह के अतिरिक्त सिल्वर रोस डुंगडुंग को ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक जिताने वाले भारतीय टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो झारखंड के एक और व्यक्ति हुए बाबू जिनका नाम था क्या आपका, ठीक है शिव नुशा, ठीक है शिव नुशा, ठीक है शिव नुशा, ठीक है जो कि झारखंड के ही थे और उन्होंने भी स्वर्ण पदक इसको मतलब जितने का एक मिला स्वाद प्राप्त हो। अगर बात करें सिल्वर के और सिल्वर नुस डुंगडुंग के तो 1980 के मास्को ओलंपिक में उपलब्धि हासिल की, ठीक है ये स्वर्ण पदक जो जीते थे वो कहां पे हो रहा था आपका, तो रूस की राजधानी कहां पे मास्को में हो रहा था वो, और इन्होंने यहां पे स्वर्ण पदक जीता था यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था और एक कब 1980 के दशक में इन्होंने जीता था, ठीक है। अगर बात करें हम लोग भारतीय टीम ने उसके बाद इसने पूर्व 1972 में म्यूनिक और ओपन ओलंपिक में माइकल किंडो ने देश का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था और माइकल किंडो ने बेहतरीन प्रदर्शन से प्रभावित होकर सम्मानित किया गया, ठीक है। तो अनेक किंडो भी हुए जो कि 1972 में खेला, ठीक है इन्होंने कब खेला था आपका 1972 में, और उन्होंने भी उस समय भी आपको बताया थे उस समय भी उन्होंने नोबेल पुरस्कार आए थे नोबेल बोलते हैं स्वर्ण पदक जीते थे। अगर बात करें तो माइकल किंडो के बेहतरीन प्रदर्शन से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1972 में
आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किनको किया था आपका, तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित आपको माइकल किंडो को बाबू, ठीक है, माइकल किंडो, ठीक है, माइकल किंडो को क्या किया था आपका, सम्मानित किया था, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से, हाँ माइकल किंडो। देखिए अब 1984 के बाबू लॉस एंजलिस में ओलंपिक में खेलने वाले भारतीय टीम के झारखंड के मनोहर टोपनो शामिल थे, मनोहर टोपनो भी थे वो शामिल थे बाबू, और हालांकि टीम का पदक नहीं मिल पाया, जो उसमें जो हुआ था 1984 में जो हुआ था इसमें भी खेला, लेकिन आनी बाबू इसमें पदक उदक नहीं जीत पाए, किसी कारण से हार गए होंगे, या मतलब कुछ ही तो होते हैं हारने वाले में से, कोई कमियां होती हैं एग्जाम में, असफल ऐसे नहीं होते, कहीं ना कहीं ये त्रुटि होती है, और त्रुटि दूसरों में नहीं होती बल्कि खुद में होता है ना। पेपर में क्या गलती है, पेपर जितना क्वेश्चन जितना सिलेबस दिया आपको पूछेंगे भाई, आप नहीं पढ़े तो आपकी गलती है ना, पेपर में सेम करना थोड़ी ना, तो ये बोलते पेपर पूरे हार्ड थे, ये थे वो थे, कुछ नहीं आप पढ़े नहीं अच्छा से। देखिए हालांकि टीम को पदक नहीं मिल पाया, बाद के दिनों बाबू अनेक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के विमल लकड़ा और उनके भाई वीरेंद्र लकड़ा ने देश का प्रतिनिधित्व किया, और यह सूची हर आने वाले दिन आने का होती जा रही है और लंबी जा रही है, आज भी को ओलंपिक में आज भी आपका पदक जीत ही रहे हैं, कल भी जीतेंगे, और इस प्रकार से आज भारत का हॉकी टीम लगातार आगे बढ़ रही है, नाम रोशन कर रही है। आपको बता दें कि भारत राष्ट्रीय खेल में बाबू आपका कौन हॉकी ही है, कौन सा खेल आपका हॉकी, ठीक है। चलिए तो ये आपका टॉपिक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दे, जयपाल सिंह मुंडा के बाबू कौन से मतलब किरणें मतलब उसके तरीके को पहचाना, जो कैलन ठीक है क्रॉस वेव ने पहचाना था, वो कहां पढ़ने के लिए गया बाबू आपका, तो ऑक्सफोर्ड में गए थे, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में ही आपका, फिर उसके बाद इंग्लैंड बाबू 1928 में अमस्टरडम में आपका स्वर्ण पदक जीते थे आपको ओलंपिक में, ठीक है, और इंडिया का बाबू नाम के एक तरह से रोशन किया उन्होंने, फिर उसके बाद अरे झारखंड के बाबू आपका सिल्वानुषा डुमडु, ठीक है, मास्को में आपका स्वर्ण पदक जीते थे, कब आपका, तो 1980 में जीते थे बाबू, बस रहे ना वही बात कर रहे थे आपका यहाँ पे तो। और जयपाल सिंह मुंडा बाबू कप्तान भी थे कौन आपका भारतीय हॉकी टीम का, उसके बाद 1972 में अर्जुन माइकल किंडो को अर्जुन अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको, माइकल किंडो को, ठीक है, ये टॉपिक में कोई दिक्कत, ठीक है, अगर दिक्कत होगा फिर आपको बताइएगा। चलिए अब आते हैं वो महिलाओं का क्या प्रदर्शन रहा झारखंड में उसके बारे में, हाँ चलिए, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, तब दिमाग से बाहर तो नहीं रहा है, दिमाग से बाहर जाएगा तुरंत कहिएगा सर प्लीज सर अब छोड़ दीजिए ना। महिला हॉकी टीम झारखंड चलिए। अब अगर देखा जाए हमारे रूढ़िवादियों के छवि पहले का किताब से बता रहे थे पहले का जो रूढ़िवादी छवि बाबू क्या होता है, या बोल सकते हैं रूढ़िवादी मतलब पहले का ऐसा कि लड़का जो कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकते, लेकिन आज का जो सोच है आज का जो विचार है ना एकदम अलग और बनेंगे ही, अब हमारे देश में कोई भी लड़कियां लड़के से कम नहीं है, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकते हैं ना, लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसे गांव हैं भी निवास करते भारत में जहां पे बेटियों को कम समझा जाता है। आप अपने आसपास इलाके में देख सकते हैं कि बेटियों को सरकारी में और बेटा को कहां प्राइवेट में पढ़ाया जा रहा है, ऐसा भाव कैसा ना ऐसा ही क्यों किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक मन में त्रुटि चल रहा है, क्या चल रहा है देख कर रूढ़िवादी छवि चल रहा है कि बेटियां जो है ना वो तो पराए होती है, लेकिन हम लोग अब एक शिक्षित होकर के ऐसे बात करना बहुत शर्मनाक बात होती है। हमारे आज जितना बेटियां या बेटे जितना कर सकते हैं वो हर कोई कर मतलब दोनों बराबर है, और एक पिता के यही होना चाहिए कि बेटा और बेटी को एक समान माना चाहिए, अगर बेटे को अगर आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो बेटी को भी प्राइवेट में पढ़ाइए, या अगर दोनों सरकारी पढ़ा रहे हैं तो दोनों को सरकारी में पढ़ाइए, ऐसा बात होनी चाहिए।
और वो हमेशा महिलाओं के महिलाओं अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ा है। महिलाओं ने हमेशा अपने चीजों को पाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया है। और आंदोलन तभी होते हैं जब किसी को मूलभूत आवश्यकता है या उसको जिस प्रकार की स्वतंत्रता है उसको जब नहीं मिल पाता है तभी आंदोलन होते हैं। बिरसा मुंडा के क्या आंदोलन वाले क्या वो अपने मर्जी से कर रहे नहीं, उनके भी शोषण कर रहे, उनके क्या करते हैं शोषण कर रहे थे, इसी वजह से उनका क्या हुआ था अरे विद्रोह करना पड़ा या फिर आंदोलन करना पड़ा ना। चलिए तो आ जाते बाबू महिलाओं में, अगर बात करें खेल की दुनिया में तो महिलाएं भी आज हमारे भाई लड़के बोल सकते हैं कि लड़के लोग से कम नहीं, लड़कियां कहां चल गए अंतरिक्ष में ना, विश्व के पहली महिला वलेंटिना तेरेस्कोवा जाके नाप दिया अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को, हमारे भी भारत के मूल निवासी कल्पना चावला भी पीछे नहीं रही और वो भी अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नाप दी, उन्होंने भी अंतरिक्ष में गए और अपने देश का अपना हम लोग का जो एक तरह से जो बोल सकते हैं कि गौरवान्वित महसूस किए अने करवाई, भले वो उनका किसी प्रकार से अने मृत्यु हो गया लेकिन आज भी उनके दिलों ठीक है आज भी हमारे मतलब मन में यहाँ पे इंडिया के बच्चों के आज भी मन में ये चीज नाम बसता है, कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में गए थे भारतीय मूल की। अच्छा भारतीय मूल बोल रहे थे इसके कोई दिक्कत है, भारतीय मूल का मतलब है कि जो भारत में उसके वंशज थे और फिर चले गए ठीक है, और उनका अस्तित्व अभी दूसरे देशों में है तो उसे कहते हैं भारतीय मूल, मतलब भारत में उसके वंशज थे लेकिन वो लोग किसी वजह उनका रहा होगा तो वो लोग फिर कहां चले गए आपका तो महिला झारखंड की चर्चा के बिना झारखंड में हॉकी को नहीं समझा आता है और लगभग चार दशक में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों में अपनी सजगता और मजबूती का अनुभव किया हुआ बस रहे ना, तो आज भर इंद्र रहना दीजिए का थोड़ा सा टॉपिक है होगा करेंगे यहां से आपका क्लियर कर देंगे ठीक है, धन्यवाद दीजिए। पांच में देखा एक बार कि खत्म हो गया फिर देखा जाए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इससे क्या होगा ना कि धीरे-धीरे